किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में डिप्रेशन, इसके बारे में आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ, एक केस स्टडी बताने वाला हूँ। एक करीब करीब 55 साल का व्यक्ति मेरे पास में आया, उसको उसको उसके पत्नी ने लाया और उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने के पहले इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और वो स्वैपिंग किया उन्होंने। तो स्वैपिंग मतलब ऐसा है कि ये जो व्यक्ति लाया था तो इसको किडनी की ज़रूरत थी और कोई एक औरत को किडनी की ज़रूरत थी, दूसरे लेडी को। तो इन्होंने क्या किया कि इसके मिसेस की किडनी वो औरत को दिया और वो औरत का हस्बैंड जो था उसकी किडनी इसको दिया, मतलब ऐसा चक्कर घुमाया, क्योंकि इसके इसकी मिसेस की किडनी इसको मैच नहीं हो रही थी, निगेटिव था वो ब्लड ग्रुप निगेटिव था, इसलिए वो स्वैपिंग किया। अब स्वैपिंग करने के बाद में नेचुरली वाइफ को भी टेंशन कि भाई अभी मेरी एक ही किडनी बची है, उसको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ये जो हो गया इनका ऑपरेशन तो ठीक हो गया मगर अभी कम से कम 20,000 रुपये की मेडिसिन अभी पहले 2-3 महीने खानी पड़ेंगे ऐसे डॉक्टर ने बोला, बाद में भी 4-5 हज़ार की मेडिसिन खानी पड़ेंगे महीने की, उसमें काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस है। बोले मैं इतने दिन सफ़र करते रहा पहले किडनी प्रॉब्लम से, बाद में अभी ऑपरेशन किया, इसके बाद में भी क्या होगा, एक ही किडनी है, अभी वो भी खराब होगी तो क्या होगा, ऐसा उसको चिंता हो रही है, उसको डिप्रेशन उसके वजह से हो रहा है। बोले मेरे को बार बार ऐसी इच्छा होती कि मैं मर जाऊँ, मैं कोशिश भी किया 1-2 बार मगर मुझे उसमें सफलता नहीं मिली, लोग एकदम फट से कोई अंदर आ गया और मैं मतलब अटका के ले रहा था, उसमें नहीं सफल हुआ मैं। एक दो बार उसने ज़्यादा गोली खा लिया नींद की मगर उसमें भी उसको कुछ नहीं हुआ, मतलब डेथ नहीं हुई। तो बोले अभी उसको ज़बरदस्ती उनके रिलेटिव्स ने लाया, मतलब अभी देखो किडनी ट्रांसप्लांट आपका हुआ, आपको चिंता लग रही है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, मैं आपको कुछ दवाई देता हूँ जिसकी वजह से आपको नींद अच्छी आ जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगे, टेंशन कम हो जाएगा और बाद में अपन साइकोथेरेपी करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो डोनेट करते उनको भी टेंशन आता, जो लेते उनको भी टेंशन आता और डिप्रेशन आता। तो इसकी वो केस थी इनकी कि ट्रांसप्लांट लिया, मतलब किडनी लिया, रेसिपिएंट है और अभी उसको डिप्रेशन आ रहा है करके। तो इसको मैंने एंटी डिप्रेशन भी दवा दिया और बाद में बनौरा काउंसिलिंग के लिए आइए, आप देखते क्या काउंसिलिंग में निकल आता बाहर, उसको क्या डर था वो हम देखेंगे, ऐसी क्यों चिंता हो रही है, एंग्जाइटी क्यों हो रही है वो हम देखेंगे, और बाद में क्या कर सकती है ऐसा जीवन जीने के लिए, कि पता नहीं अभी और कितने साल जिएगा, 10-20 साल 25 साल पता नहीं 40 साल जिएगा मालूम नहीं है। तो उसमें उसने खुशी से जीने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी रिटायरमेंट हो चुकी थी, VRS लिया था और VRS के बाद नहीं बीमारी दिखी कि भाई किडनी की बीमारी है आफ्टर VRS, और फिर अभी घर में बैठे दिन भर कामकाज कुछ नहीं, जिंदगी भर नौकरी किया, वहाँ से घर पे आए तो मालूम ही नहीं करना क्या है। तो अक्सर लोगों को जब रिटायर हो जाते हैं तो अक्सर काफ़ी लोगों को रिटायरमेंट के बाद में बहुत सारी बीमारियाँ आती है और उसका कारण यह है कि उनने रिटायरमेंट प्लानिंग कभी किया ही नहीं, लोगों ने जिंदगी भर नौकरी करते रहे, एक तरह का काम करते रहे, वो दिमाग में पक्का बैठा है, एक दिन छुट्टी लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं, घर पे आ जाते हैं, बाद में पता ही रहता नहीं कभी करना क्या रहा दिन भर, फिर अंदर ही अंदर सोचते रहते और बीमारियाँ आती रहती है। तो इस तरह का ये इलाज है उसका कि भाई बीमारियाँ टालने के लिए भी रिटायरमेंट प्लान करना जरूरी है, रिटायरमेंट के बाद में क्या करना उसका प्लानिंग करो ताकि इस तरह का डिप्रेशन, इस तरह की बीमारी होंगे नहीं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू वेरी मच।